चुन करके जाएंगी, जो सशक्तिकरण के एक नए अध्याय को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगी। इस अवसर पर आज आपका आगमन काशी में हुआ है और काशी की बहनों के द्वारा आपके अभिनंदन का जो एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है, इस अवसर पर मैं आपका इन सभी बहनों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मान्यवर, आज बहनें प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं और उनके लिए नौकरी रोजगार के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में स्नातक तक की शिक्षा फ्री का हो या फिर उन्हें सेना में अब फाइटर पायलट के रूप में भी उन्हें जो स्थान प्राप्त हो रहा है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से उन्होंने जो नई नई सफलता की प्रतिमान गढ़े हैं, यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम उस कड़ी के सशक्तिकरण की एक बहुत महत्वपूर्ण और अभिनंदनीय प्रयास है। इस अवसर पर आपका काशी में आगमन और इन सभी बहनों के द्वारा आपके अभिनंदन के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सभी बहनों की ओर से, काशी की इन सभी बहनों की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर की महिलाओं को एक अनूठी सौगात देकर उन्हें और सशक्त बनने की प्रेरणा दी है। नव भवन में नव संकल्पों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के वर्षों से चले आ रहे राजनैतिक संघर्षों को भी समाधान तक परिवर्तित कर संपूर्ण नारी जगत को नई ऊर्जा प्रदान की है। आज वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि पर हमारी बहनें माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने को इच्छुक हैं, उत्सुक हैं। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगी पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थी बहनों को माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इस भव्य सुंदर फूलों की माला के माध्यम से करने के लिए। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान आजीविका खो चुके रेहड़ी और पटरी के दुकानदारों को ऋण लाभ दिलवाया है। मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां आपकी यहां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शहरी आजीविका मिशन की लाभार्थी बहनों को आमंत्रित करूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन पुष्प गुच्छ के माध्यम से करें। सभी बहनों को माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीष मिला है, आप सभी जोरदार तालियां बजाकर प्रणाम प्रेषित करें। शहरी आजीविका मिशन की लाभार्थी बहनों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट किया जा रहा है। ये सभी बहनें फूल माला का निर्माण करती हैं, मीनाकारी का कार्य करती हैं, लकड़ी के खिलौने बनाती हैं, बनारसी थैले, बुके, मूर्ति और मोतियों का काम करती हैं। ये अपने पैरों पर आपकी प्रेरणा से खड़ी हैं। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना की हमारी बहनें माननीय प्रधानमंत्री जी को जीवनदायिनी पावनी तुलसी जी का पौधा भेंट करने के लिए आ रही हैं। जीवनदायिनी अति पावन तुलसी नारियों के प्रति सम्मान प्रतिस्थापित करती है और आज इस मंच पर हमारी बहनें माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सम्मान और आभार इस तुलसी के पौधे के माध्यम से व्यक्त कर रही हैं, आपका अभिनंदन कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष्मान योजना की लाभार्थी बहनें माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और आभार अंग वस्त्र के माध्यम से करेंगी। गरीब और असहाय परिवारों पर बीमारियों पर खर्च होने वाले आर्थिक बोझ एवं गुणवत्ता पूर्वक इलाज
इनको समय पर उपलब्ध कराए गए हैं। मैं अनुरोध करूंगी कि समस्त बहनें जोरदार तालियों के माध्यम से अपने प्रणाम मंच तक प्रेषित करें। अंगवस्त्र के माध्यम से हमारी माताओं और बहनों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हमारी लाभार्थी बहनें, उचित दर विक्रेता की ये महिलाएं हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी लाभार्थी महिलाएं उचित दर विक्रेता की गणपति महाराज की ये ODOP की से निर्मित ये सुंदर प्रतिमा माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु उत्तम स्वास्थ्य के लिए मंगल कामनाएं कर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा दिया है, जिसकी जीती जागती मिसालें हैं हमारी ये बहनें। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रही हैं कि राशन की दुकानें चलाने का आज तक आधिपत्य पुरुषों का था, परंतु आज ये राशन की दुकानें चलाकर जन जन तक, हर गरीब के पास तक अनाज पहुंचा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प लें, अभी तो सूरज उगा है। भारत के गौरव की स्वर्ण गाथा लिखने वाले यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता, सकारात्मक सोच और दमदार कार्यशैली का ये सुपरिणाम है कि विश्व पटल पर आज भारत का परचम लहरा रहा है और भारत विकास के आसमान पर ज्वाजल्यमान सूर्य सा चमक रहा है। यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित कर हम सब का मार्गदर्शन करें। आप सभी जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमें आशीर्वाद देने के लिए आई हुई काशी पूर्वांचल की नारी शक्ति, हमारी काशी माता कुष्मांडा, माता श्रृंगार गौरी, माता अन्नपूर्णा और मां गंगा की पावन नगरी है। यहां के कण कण में मातृशक्ति की महिमा जुड़ी हुई है। विंध्यवासिनी देवी भी बनारस से बहुत दूर नहीं है। काशी नगरी देवी अहल्याबाई होलकर के पुण्य कार्यों और प्रबंध कौशल की भी साक्षी रही है। इसलिए संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसा ऐतिहासिक कानून पास होने के बाद सबसे पहले काशी में आप सबके आशीर्वाद लेने आया हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी तादाद में आप हमें आशीर्वाद दे रहे हैं।
संयोग से कुछ ही समय में दुर्गा पूजा का उत्सव भी शुरू होने वाला है। बनारस में जगह जगह दुर्गा पंडाल की तैयारी चल रही है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम ने इस बार नवरात्रि के उत्साह को और भी कई गुना बढ़ा दिया है। इस कानून से देश के लिए महिला विकास के नए रास्ते खुलेंगे। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ेगी। मैं उस उपलब्धि के लिए आपको भी और देश भर की माताओं बहनों को आज काशी की पवित्र धरती से हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, नारी का नेतृत्व बाकी दुनिया के लिए एक आधुनिक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन हम तो महादेव से पहले मां पार्वती और गंगा को प्रणाम करने वाले लोग हैं। हमारी यही काशी रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना की जन्मभूमि भी है। आजादी की लड़ाई में लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं से लेकर आधुनिक भारत में मिशन चंद्रयान को लीड करने वाली महिला वैज्ञानिकों तक नारी नेतृत्व का सामर्थ्य क्या होता है, ये हमने हर कालखंड में साबित किया है। आप नारी शक्ति बंधन अधिनियम को ही लीजिए, 3 दशकों से ये कानून लटका हुआ था, लेकिन आज ये आपकी ही ताकत है कि सदन में, संसद के दोनों सदनों में ऐसी ऐसी पार्टियों को इसका समर्थन में आना पड़ा जो पहले इसका भरपूर विरोध करते थकते नहीं थे। और इसलिए आप माताओं बहनों में जो जागरूक बनी है, आप एक बनी है, एकजुट बनी है, ये हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियां अब आपसे डर रही है, कांप रही है और इसीलिए बिल पास किया है। ये आपकी ताकत है। अब नारी शक्ति बंधन अधिनियम रिकॉर्ड वोटों से पारित हुआ है और आपके आशीर्वाद से इसका सौभाग्य आपके काशी के एमपी को मिला है। मेरे परिवारजनों, बीते 9 वर्षों में हमने महिलाओं के पूरे जीवन को, उनके सपनों को केंद्र में रखकर काम किया है। अभी मंच पर जो माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देने आई थी, किसी को कैंसर में मदद पहुंच गई, किसी को किडनी की बीमारी थी मदद पहुंच गई, किसी को घर मिल गया, किसी रेहड़ी पटरी वालों को बैंक से लोन मिल गया। वे इतने भाव विभोर थे कि माताओं बहनों के लिए जो काम हो रहा है वो देश की शक्ति बढ़ा रहा है। बनारस में 2,30,000 से ज्यादा महिलाओं को
2,30,000 से ज्यादा उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को अब प्रति सिलेंडर सरकार से 400 रुपये की सब्सिडी भी मिल रही है। भाजपा सरकार के दौरान यहां बनारस में पीएम आवास योजना के तहत 75,000 पक्के घर बना के गरीबों को दिए गए हैं। इनमें से ज्यादातर घर आप हमारी महिलाओं, माताओं, बहनों के नाम पर है। आप भी जानती हैं कि हमारे यहां महिलाओं के नाम संपत्ति रखने की परंपरा कम ही रही है। गाड़ी खरीदनी हो तो पुरुष के नाम, जमीन खरीदनी हो तो पुरुष के नाम, दुकान खरीदनी हो तो पुरुष का नाम, घर खरीदना हो पुरुष का नाम, हमारे यहां यही चला करता था। लेकिन मोदी ने आकर देश की माताओं, बहनों, बेटियों के नाम संपत्ति की परंपरा शुरू की है। हमने पीएम आवास योजना में महिलाओं के नाम भी घर देने का प्रावधान किया। इस वजह से आज काशी में भी हजारों महिलाओं के नाम अब घर की रजिस्ट्री हुई है। इससे परिवार में, समाज में उनकी अहमियत भी बढ़ी है। मेरे परिवारजनों, आज खेल के मैदान से लेकर राफेल उड़ाने तक हर जगह हमारी बेटियां कमाल कर रही है। जब महिलाओं को समान अवसर मिलते हैं तो विकास को कितनी गति मिलती है, हमारा बनारस इसका साक्षी है। हमने मुद्रा योजना शुरू की। बनारस में हजारों महिलाओं को मुद्रा योजना से लाभ मिला। या हैंडीक्राफ्ट का काम हो, सिल्क की कारीगरी हो या आचार बनाने जैसे गृह उद्योग हो, महिलाएं बड़ी संख्या में इनसे जुड़ी है। मुद्रा योजना के सहयोग से इन उद्योगों को नई ताकत मिली है। कितने ही छोटे बड़े उद्योगों जो बंद होने की कगार पर थे, आज उनके प्रोडक्ट देश दुनिया के बाजार में पहुंच रहे हैं। बनारस और पूर्वांचल में बड़ी संख्या में महिला स्वयं सहायता समूह भी तैयार हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाएं परिवार के हालात सुधार भी रही है और साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति दे रही है।